डियर बड़ोदरा जी, उनके सुपुत्र हमारे बीच उपस्थित हैं। आपने इस क्लब में, आप हमारे क्लब, आपके पिताजी जय बड़ोदरा जी के पिताजी हमारे क्लब के पहले प्रधान रह चुके हैं। परम आदरणीय एम एस पिताजी सुरेश बड़ोदरा जी को, जे एस बड़ोदरा जी को इस क्लब में, इस क्लब के फर्स्ट प्रेसिडेंट की एन के रूप में सम्मानित करते हुए, आदरणीय धामा जी से रोटरी क्लब में पान जाना चाहता है। आपका लगाया हुआ पौधा, आपके लगाए हुए वर्ष में गांव में हम सब बैठे हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पांच प्रेसिडेंट रोटेरियन आरती कक्कड़ जी को सम्मानित करते हुए, किसी भी पूर्व प्रधान के लिए बहुत गर्व की बात है अपने ही क्लब में सम्मानित होना, और वो भी ऐसी शख्सियत ऐसी प्रभुति के द्वारा। बहुत बहुत बधाई। 92-93 के प्रेसिडेंट, पांच प्रेसिडेंट रोटेरियन सीएल रामदास जी, और हमारे क्लब के सदस्यों को अपना आशीर्वाद। सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, मैं हमेशा कोई भी कार्यक्रम हो मैं बिल्कुल टाइम पे पहुंचता हूँ, पर हमारा एक मेजर जवान मिस्टर यादव कानपुर का, जो अभी मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा करते हुए शहीद हुआ, तो ऐसे कार्यक्रम में भी मैं हर हालत में पहुंचता हूं। कल वापस आना था पर उनका संस्कार कल नहीं हो पाया, आज उनका संस्कार हुआ तो मैं कानपुर से लखनऊ और लखनऊ से दिल्ली फ्लाइट पकड़ के सीधा आपके पास पहुंचा हूं, मुझे क्षमा कीजिएगा। आप बड़ी देर से बैठे, मेरे पिता समान, मेरे बड़े भाई समान श्री योगेश मोहन गुप्ता जी, अग्रवाल साहब, महेश्वरी जी, और यहाँ पे हमारे पुराने रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट, नए मेंबर, मैं सबको नमस्कार करता हूँ। जो मेरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है रोटरी क्लब को लेकर के, बचपन से मैंने आज तक की जो जिंदगी मैंने, टेलीफोन मार रहे हो बैग ले जाओ, मेरा जो जिंदगी का सफर गुजरा है वो इस क्लब में ही इस सेवा के रूप में गुजरा है। एक्चुअली जो काम सही मायने में देश के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, दुखियों के लिए, किसी की आंख का ऑपरेशन है, किसी की बहन को सिलाई मशीन चाहिए, कोई और जरूरतमंद जो भी काम हो, सबसे अच्छा अगर काम देखा है वो मैं इस क्लब में देखा है। पूरे देश के अंदर इसका हर कोने में जाल फैला हुआ है, पर अपना अपना योगदान अपने अपने तरीके से, अपने खून पसीने की कमाई से अपना अपना योगदान इसमें डालते हैं। सच्ची जिसको कहें देश की सेवा, इंसानियत की सेवा, मानवता की सेवा, वो सेवा मुझे आपके इस क्लब में नजर आती है। 25-30 बच्चे थे जो झारखंड नक्सलाइटों के एरिया के और छत्तीसगढ़ के वो बच्चे थे, छोटे लाए थे, वो बड़े हो गए, उनको अच्छी शिक्षा दी जा रही है। ऐसे कई आश्रम आज हमारे पास सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसा काम करती है, पर ज्यादा तौर पे जो काम देखा गया है वो फोटो पॉलिटिक्स होती है, दिखावा होता है, उसके अंदर निचोड़ कुछ होता नहीं। और हर व्यक्ति मैं उसमें देखता हूं सिर्फ पैसा कमाने का जरिया होता है, और उसके लिए, देश के लिए, समाज के लिए जिस तरीके से आप काम करते हैं,
वो रूप कैसे देना है, वो रूप मैंने बहुत कम देखा है, तो उसकी हमें पीड़ा भी होती है। पर जब आप लोगों के बीच में आते हैं तो मन को एक सुकून जरूर मिलता है कि ऐसे भी लोग हैं जिनका किसी राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी से जनसलाभ का कोई लेना देना नहीं, कोई सीएम है, कोई पीएम है, कोई चीफ मिनिस्टर, हमारा लेना देना नहीं। हमारा काम तो एक है, मानवता की सेवा करना, समाज की सेवा करना और मातृभूमि की आजादी की रक्षा करना। अपने आपने इसको बिल्कुल एक मेरे भाषण के रूप में मत समझिएगा कि मैं आया हूं, मैं बोल रहा हूं, कोई और आएगा कल तो वो भी बोलेगा। एक्चुअली जो अपनी जिंदगी का जो मैंने निचोड़ देखा है बचपन से लेके आज तक, वो जो सच है जो आप कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, वो बिल्कुल सच है। और आप कहीं ना कहीं मानवता के लिए अपना योगदान जरूर दे रहे हैं। भगवान आपके ऊपर जरूर कृपा करेगा, क्योंकि ये देश की बहुत बड़ी एक सच्ची सेवा है। हाँ मैं भी सीख लगता हूँ।